होशियारपुर के फतेहगढ़ रोड पर दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल जूनियर विंग में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब वहां पर नर्सरी कक्षा में पढ़ रही एक 3 साल की बच्ची के परिजनों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। बच्ची के परिजनों का आरोप है कि उनकी बच्ची इस स्कूल में नर्सरी की कक्षा में पढ़ती है, परंतु आज बच्ची ने जब स्कूल जाने से इनकार कर दिया तो बच्ची के माता पिता ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वहां पर काम कर रहे चपरासी ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया जिसके चलते बच्ची ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। लड़की के माता पिता ने जब स्कूल जाकर वहां स्कूल प्रशासन से इस बारे में बात की तो पहले तो स्कूल ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जब लड़की के परिजनों ने स्कूल प्रशासन में सख्ती से बात की तो उन्होंने चपरासी को एक कमरे में बंद कर दिया। बच्ची को बाकायदा स्कूल में घुमाया गया और आरोपी की पहचान करने के बाद बच्ची ने कहा कि वह अंकल ने उसके साथ गलत काम किया है, जिसके चलते गुस्से में परिजनों ने चपरासी पर कार्रवाई करने की बात कही। देखो जी, सारा तो पहला सानू चाहिए इंसाफ। इधर स्कूल मैं चाहूँगा कि पूरे बंद होना चाहिए। मैं स्कूल बंद कराऊंगा ही कराऊंगा, भावे मैंने जितने तक मर्जी जाना पवे, ठीक है जी। और इन्ना छोटा बच्चा जिहड़ा इन्ना मासूम जिन्होंने कहिंदे रब का दूजा रूप आ, और इन्नी दरिंदगी वाला काम किया बंदे ने, जानवर नालों भी गंदा बंदा। इदा का बंदा मेरे हाथ आंदा ना, मैं उन्होंने अपने हाथी मारदा, भावे मेरे तो जिड़ी मर्जी वड्डी सज़ा हो जाती, स्कूल वाले ने उन्होंने बाहर नहीं कढ़िया, भावें मैंने सारी उम्र जेल च कटनी पैंदी ना, मैं बंदे नूं मारदा ही मारदा। ये सारा कुछ देखने के बाद मैं तो यही चाहूँगा मैं स्कूल बंद करवाना ही करवाना है जी। जबकि स्कूल प्रशासन ने कहा कि वह परिजनों के साथ हैं और उनका साथ देंगे। स्कूल प्रशासन का कहना था कि जैसे ही हमें सूचना मिली हमने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तुरंत स्कूल में पहुंचकर स्कूल के चपरासी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आई। अच्छा, अभी तक तो मेंटेन कर रहे हैं और ये जो हमने जैसे सुना था इस तरह से हो गया, जैसे पेरेंट्स से सुना था वैसे इमीडिएटली हमने पुलिस का हवाला कर दिया। अगर बात करें We have all responsibility and we are taking care of everything. You know, error can be anywhere. We have taken care of all these three and a half years. To school. Of... See, mistake can be anywhere. The boy one who has done, he is responsible. We got a complaint from the parent, immediately we are acting on. We are not hiding the things. We are acting on as soon as we received a complaint from a parent. Is there? थाना सीढ़ी के डीएसपी समीर वर्मा ने बताया कि स्कूल में काम कर रहे चपरासी की पहचान अमनदीप पुत्र हरबंस लाल के रूप में हुई है। समीर वर्मा ने बताया कि अमनदीप ने 15 दिन पहले ही स्कूल में चपरासी की नौकरी शुरू की है। फिलहाल पुलिस ने लड़की के परिजनों के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया है और मेडिकल की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक सानू कंप्लेंट मिली है कि फतेहगढ़ रोड तक एक प्राइवेट स्कूल है, वो जो बच्ची 3.5 साल दी प्री नर्सरी क्लास में पढ़ती सी, तो पेरेंट्स वालों कंप्लेंट आई है कि वो स्कूल में ही काम करते एक पीएन ने छेड़छाड़ की है, गलत हरकत करने की कोशिश की है। असी मेडिकल करवा रहे हैं, उस तो बाद केस रजिस्टर कर रहे हैं। होशियारपुर से अजा टीवी न्यूज़ के लिए सुनील लाखा की रिपोर्ट।